Assalamualaikum viewers, welcome back to another video. I hope you guys are doing well. So in this video, I will tell you 5 best websites from where you can test yourself for upcoming ITTS examination. So let's move towards the video. So जो first website है वो है Zen Foundry. ये website आपको आप Google पे simply search करेंगे, ठीक है, नाम मैंने यहाँ पे mention कर दिया है, तो आपको ये website मिल जाएगी. यहाँ पे आपको हर subject के easily MCQs मिल जाएंगे और MCQs का bank भी काफ़ी ज़्यादा lengthy है और साथ में explanation भी दी हुई है, तो आप यहाँ से easily concepts वगैरह सारे build हो जाएंगे और आप अपने आप को अच्छी तरह से test भी कर लेंगे कि आपके कितने MCQs ठीक होते हैं और आपके concepts कितने build हैं, ठीक है. आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है और आपको जिस सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और आपके पास ये ओपन हो जाएगी. सेकंड वेबसाइट जो है वो है पाक एमसीक्यूज. यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर दिया, इसी तरह आप इस वेबसाइट को गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज भी ओपन हो जाएगा, या तो फिर अगर आपको टॉपिक वाइज भी हो जाएगा, या तो फिर आप अगर कंबाइन सारा बायोलॉजी का एक साथ करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा. ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको लास्ट ईयर प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया था पीएमसी ने एमसीक्यूज बैंक को और इस वेबसाइट को. बायो के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इन सब के भी आपको ईजिली इस वेबसाइट से एमसीक्यूज मिल जाएंगे. अगर आप देखें तो ये काफ़ी लेंदी है, एक चैप्टर के अगर देखें पर चैप्टर तो 50+ ही एमसीक्यूज होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एमसीक्यूज भी वो होते हैं जो पीएमसी अपने टेस्ट में पूछता है, तो अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करें तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है, और आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होती, लेकिन एमसीक्यूज के आंसर लिखे हुए होते हैं और एमसीक्यूज के आंसर करेक्ट होते हैं, ये गलत नहीं है इनकी. आज जो है वो हमारे पास है टेस्ट फेलो. तो इस वेबसाइट के एमसीक्यूज जो हैं वो थोड़े से तो हार्ड हैं, जितने मुझे लगे कि एमकेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लेवल से थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आपसे इजी भी हो जाएंगे, क्योंकि जो पीएमसी है उन्होंने लास्ट ईयर भी ऐसे किया था कि रेंडम वेबसाइट्स उठाई थी और वहाँ से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके एमसीक्यूज दे दिया था. तो आप लोग जितना ज़्यादा मतलब आप लोग एमसीक्यूज वेबसाइट से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, क्योंकि पीएमसी का कुछ नहीं पता कि वो क्या करती है और किस तरह देती है और क्या होगा, तो आप लोग अगर हार्ड सॉल्व कर लेंगे तो आपसे ईजीली सॉल्व हो जाएगा. लेकिन इस वेबसाइट के जो इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं ना वो काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप एक बार वेबसाइट से देख लें और आपको जिस तरह लगे, अगर आपको एमसीक्यू समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो यहाँ से लाजमी प्रैक्टिस कर लें. 786 टाइम्स इस वेबसाइट में आपको सारे प्रोविंस मिक्स एमसीक्यूज मिलेंगे. इसके अलावा जो आपके पास पास पेपर्स होते हैं UHS या तो फिर AJK के जो भी आए हुए होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. और यहाँ पे मतलब टेस्ट होता है, आपको इस तरह से मिलेंगे टेस्ट में, अगर आप एमसीक्यूज गलत कर जिस तरह यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है तो नीचे आपकी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होती जाएगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. इस तरह से अगर आप गलत करेंगे तो आपके सारे जो हैं परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है. अब आप अगर आगे देखें तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और अगर आप फिर आगे एमसीक्यू कर लें तो फिर आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इन्होंने इस तरह से मेंटेन किया हुआ है. और यहाँ पे भी आपके जो एमसीक्यूज बैंक काफ़ी लेंदी होता है, कुछ चैप्टर के 150 चले जाते हैं, कुछ के 200 होते हैं, किसी के कम होते हैं, ठीक है. चैप्टर जो बड़ा होता है उस चैप्टर के ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं, और जो कम चैप्टर होता है जिस जिस तरह से पास पेपर्स में आए हुए होते हैं उस तरह के एमसीक्यूज होते हैं यहाँ पर. वेबसाइट हमारे पास वो है टॉपर्स. ये एक इंडियन वेबसाइट है और ये मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इस एमसीक्यूज जो हैं यहाँ के एमसीक्यूज वो आपके पास इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल पे होते हैं. अब आपकी मर्ज़ी, आप पहले कौन सा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इजी टू हार्ड जाएं, ठीक है. यहाँ से आपके एमसीक्यूज से काफ़ी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड होते हैं. और ये जो वेबसाइट है ये पीएमसी की नज़रों में भी बहुत है, पीएमसी ने लास्ट ईयर भी इस एमसीक्यूज बैंक से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज उठाए थे और दिए थे बिल्कुल एज इट इज़. ख़ास तौर पर फिज़िक्स के जो एमसीक्यूज है ना पीएमसी ने वो पूरे के पूरे यहाँ से कॉपी किए थे. इसके अलावा बायो के अगर आप यहाँ से करते हैं ना तो मतलब इनका जो वो है एमसीक्यूज बैंक वो बहुत ज़्यादा लेंदी है बाकी सारी वेबसाइट से. वेबसाइट है टॉपर, इसको मस्ट चेक कर लें आप लोग, और यहाँ से मैक्सिमम एमसीक्यूज जितने आप लोग कर सकते हैं अभी जितने मंथ्स रह गए फिर यहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और ख़ासतौर पर फिज़िक्स पे फिज़िक्स और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं
न्यूमेरिकल्स नहीं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वो तो आप यहाँ के पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आप लोग को बता दिया कौन सी वेबसाइट और कौन कौन सी है, और सारी फ्री वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, कोई पेड वेबसाइट नहीं है, और जो हाईली रिकमेंडेड है वो टॉपर्स है, और इसके अलावा 786 टाइम्स भी काफ़ी अच्छी है और सैन फाउंड्री भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग ये तीनों वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।